गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 सोर्सेज ऑफ वाटर, कि हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है। ओके तो बच्चों, हमने पेज नंबर 71 एंड 72 कंप्लीट कर लिया था। वी हैव कंप्लीटेड इट। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 73 पेज नंबर रीड। ओके चलिए, दीज डेज इन दिनों वाटर फ्रॉम लेक्स एंड पॉन्ड्स, कौन सा पानी, लेक्स एंड पॉन्ड्स झील और तालाब का पानी क्या करा जाता है, इस फिल्टर्ड, उसे फिल्टर किया जाता है एंड सप्लाइड इन हाउसेस, फिल्टर करना उसे साफ करना, उसे शुद्ध करना, ठीक है, उसमें से गंदगी अलग करना किया जाता है एंड सप्लाइड इन हाउसेस थ्रू पाइपलाइंस, और क्या हो करते हैं, नदी और तालाब का जो पानी है ना बच्चों, उसको साफ करके पाइपलाइन के द्वारा हमारे घर में भेजा जाता है, नल से आता है पानी। यू माइट हैव सीन, आपने बहुत देखा होगा, सेवरल वेज ऑफ प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को साफ करने के तरीके, प्योरीफाइंग साफ करना, तो आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे कि पानी को किस प्रकार साफ किया जाता है, गंदे पानी को हम साफ पानी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से पीने के लिए, ठीक है, पियेंगे तो हम साफ पानी ही, गंदा तो नहीं पी सकते। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, टू स्ट्रेन विथ क्लोथ, हम क्या करते हैं, एक कपड़ा मतलब जग में कपड़ा रखकर ऊपर से पानी डालते हैं ताकि गंदगी कपड़े में ही रह जाए और साफ पानी नीचे निकल जाए। टू बॉइल, उबाल कर भी हम उसकी गंदगी ख़त्म कर सकते हैं। एंड बीइंग फिल्टर्ड थ्रू प्योरीफाइंग मशीन्स, और इससे भी ज़्यादा इजी प्योरीफायर होता है, प्योरीफायर बहुत सारे बच्चों के घर में लगा होगा जिसमें ओनली हमें क्या करना पड़ता है, उसको टंकी से कनेक्ट कर दो और वो अपने आप पानी को साफ करके आपको देता है, ठीक है। वी कैन अवॉइड मैनी डिसीज, हम बहुत सारी बीमारियों को क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं, अवॉइड उन्हें क्या कर सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं, बाय ड्रिंकिंग प्योर एंड क्लीन वाटर, अगर हम साफ और अच्छा पानी पिएंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों को हरा सकते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए और उसे शुद्ध करके पीना चाहिए, के बहुत सारे तरीके हैं कि आप उसको किस प्रकार साफ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मेथड्स ऑफ प्योरीफाइंग वाटर, ये हैं कुछ तरीके पानी साफ करने के, प्योरीफाइंग मशीन के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा और बॉइलिंग, उबाल कर, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, डू यू नो, बच्चों क्या आप जानते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन सच एज वाटर पंपिंग डिलीवरी एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज कंज्यूम अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए जो बच्चों, जो हमारी पाइपलाइंस में पानी आता है वो भी एक बार साफ होकर आता है ना, नदियों और तालाबों का, अब उनको साफ करने में जितनी भी मशीन्स लगती हैं, वेस्ट वाटर जितना भी खराब पानी होता है उसे साफ करने में जितना भी बिजली लगती है, वो क्या उसके लिए बहुत सारा क्या लगता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी क्या लगती है, इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है। इन सम रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड ओवर 15% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज डिवोटेड टू वाटर मैनेजमेंट। 50% पूरे वर्ल्ड में 15% क्या वेस्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी को साफ करने के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, आर्टिस्टिक वाटर रिसोर्सेज, तो देखिए बच्चों ये क्या हो, क्या अब हम पढ़ेंगे कुछ कलात्मक, कला से संबंधित, कला होती है बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें एंशिएंट, प्राचीन, जो हम, जो बहुत पुरानी होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कलापूर्ण होती है, इसमें बहुत सारी कला होती है, आर्ट, ठीक है, सुंदर। वाटर रिसोर्सेज मतलब कि पानी के संसाधन, अब कुछ पुराने आर्टिस्टिक वाटर सप्लाईज के बारे में हम पढ़ेंगे, रिसोर्सेज के। अब देखिए, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले, वेल्स एंड बावड़ीज, क्या बेट बच्चों, कुएं और बावड़ी, ठीक है। स्टेप वॉल्स, बावड़ी क्या होती है, स्टेप वॉल्स यानी कि जिसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं, हैव बीन रिसोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन इन राजस्थान। पुराने ज़माने में इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, देखिए पीने के पानी और सिंचाई के लिए, जो खेतों में सिंचाई होती है, खेतों में जो पानी डालते हैं किसान,
उनके लिए पानी कहाँ से आता था? कुएं और बावड़ी से, ठीक है? कहाँ पर? राजस्थान में। आर्टिस्टिक स्टेयर्स आर कंस्ट्रक्टेड इन बावड़ीज टू गेट वाटर फ्रॉम देम। तो जो ये जो सीढ़ियों वाली बावड़ी बनाई जाती थी, ये किस लिए बनाई जाती थी? ताकि लोग उससे पानी भर सके। बावड़ीज मीट द रिलीजियस एंड सोशल नीड्स ऑफ द पीपल। और जो बावड़ी जो हुआ करती थी वो क्या होती थी? रिलीजियस, यानी कि लोग उसे धार्मिक भी समझते थे, और सोशल नीड्स ऑफ द पीपल, यानी कि वो जो लोगों की पानी की ज़रूरत थी उनको पूरा करती थी। अब देखिए, परछा बावड़ी इन रामदेवरा, ठीक है? रामदेवरा में कौन सी बावड़ी है? परछा बावड़ी। खिन्नी बावड़ी इन जालोर, चांद बावड़ी एट आभानेरी एंड बावड़ीज इन ओशियन, भीनमल, बूंदी, खेतड़ी, आमेर और नीमराणा, इन सभी जगह क्या बनी हुई है? बावड़ी बनी हुई है। आर वेरी ओल्ड, ये सभी प्राचीन क्या है? बावड़ियाँ हैं। सम ऑफ देम हैव बिकम यूजलेस ड्यू टू नेलिगेंस इन देयर मेंटेनेंस। इनमें से कुछ बावड़ियाँ क्या हो चुकी है? ख़राब हो चुकी है, जिनको अब यूज़ में नहीं लिया जाता है, क्योंकि उनका प्रॉपर क्या नहीं रखा गया है? ध्यान नहीं रखा गया है, मेंटेनेंस उनका अच्छा रख रखाव नहीं हुआ है। नेलिगेंस, लापरवाही के कारण वो अब ख़राब हो चुकी है। अब देखिए, पिलिग्रम्स कमिंग टू रामदेवरा बिलीव दैट इट्स वाटर इज पायस। तो रामदेवरा में जो परछा बावड़ी है उसमें जो तीर्थयात्री, यानी कि जो बाहर से वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, वो क्या मानते हैं? कि वहाँ की बावड़ी का जो पानी है वो क्या है? पायस, यानी प्योर है, बहुत ज़्यादा पवित्र है। एंड दे टेक दिस वाटर अलॉन्ग विद देम। और जो वहाँ पर लोग आते हैं वो उस पानी को भरकर अपने घर भी ले जाते हैं। मेदतानी बावड़ी इन झुंझुनू इज़ वेरी एंशियंट, ब्यूटिफुल एंड आर्टिस्टिक। तो मेदतानी बावड़ी जो झुंझुनू में है वो क्या है? बहुत एंशियंट, यानी कि प्राचीन, ब्यूटिफुल यानी कि सुंदर, और आर्टिस्टिक यानी कि कला से भरी हुई है। इट वॉज बिल्ट, ये बनाई गई थी 1783, इट इज़ 150 फीट डीप। तो ये 1783 में बनाई गई थी, और ये 150 फीट क्या है? गहरी है। देयर आर झरोखास, और उसमें क्या है? झरोखा होते हैं पीप होल्स वेंटिलेटर्स, यानी कि बरामदे या वेंटिलेटर्स, एंड गैलरीज, और क्या है? गैलरीज, गलियां भी है इसमें, ठीक है? अब इसके आगे का बच्चों हम कल पढ़ेंगे। और ये देखिए, ये इमेज किसकी दे रखी है? रामदेवरा की, परछा बावड़ी की, ठीक है? देखिए इसमें कुछ, यहाँ पर देखिए खाली जगह है, बरामदे हैं, गलियां हैं, और ये सीढ़ियां हैं नीचे आने के लिए, है ना? और नीचे क्या भरा हुआ है? पानी, जहाँ से लोग पानी भरते हैं, ठीक है? तो पुराने ज़माने में कुछ इस प्रकार पानी लोग भरा करते थे। तो आगे हम कल पढ़ेंगे, तब तक आप इसे रिवाइज करिए, ठीक है? थैंक यू।